और थ्रीपन डिवीजन, ठीक है। और लिस्ट काउंट में हम लोग को यही देखना है, किसी भी चीज को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका पहले जड़ तक जाएंगे कि बोल क्या रहा है। घड़ी चल रहा है तो घड़ी चल रहा है तो किसके हिसाब से चल रहा है, सेकंड वाला काटा यदि सेकंड वाला काटा जब पूरा एक चक्कर लेता है तो कितना घूमता है, एक मिनट। और जब एक मिनट वाला एक पूरा घूमता है तो क्या घंटा, और घंटा वाला जब एक पूरा घूम जाता है तो 12 घंटा एक दिन। तो एक दिन को यदि हाँ मतलब वही हुआ 24 का हाफ हो गया 12 घंटा। तो हम लोग को जानना है यदि हम लोग को घड़ी का यदि कोई लिस्ट काउंट पूछ रहा है कि घड़ी का लिस्ट काउंट क्या है, तो घड़ी तो मेरा माप रहा है 12 घंटा, माप दे रहा है ना जी सर। फिर 12 घंटे को हम लोग छोटा करेंगे, एक घंटा पे आ जाएंगे, एक घंटा को छोटा करेंगे मिनट पर आ जाएंगे, और मिनट को छोटा करेंगे तो सेकंड पर आ जाएंगे। मतलब वो एक बार जब चल रहा है तो एक सेकंड की दूरी तय कर रहा है, मतलब हम लोग एक सेकंड की रेशियो में उसको माप सकते हैं, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, पांच सेकंड कर सकते हैं ना। तो लिस्ट काउंट जो होता है वो सबसे छोटा माप लेता है, मतलब घड़ी का जब हम लोग लिस्ट काउंट लेंगे तो किस चीज से मापेंगे, वही सेकंड वाले सही से कि यहाँ से यहाँ गया एक सेकंड, फिर दो सेकंड, तीन सेकंड। उसी तरह से हम लोग कोई भी मापी यंत्र का यदि लिस्ट काउंट निकालेंगे तो उसको सबसे छोटा माप देखेंगे कि कहाँ से लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग माइक्रोमीटर का सबसे छोटा माप जो है वो थिम्बल से लेते हैं, क्योंकि थिम्बल को पूरा घुमाएंगे तब एक पीच आगे बढ़ेगा, है ना। थिम्बल एक चक्कर पूरा घूमेगा तो एक पीच आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा चक्कर घूमेगा तो दूसरा पीच आगे बढ़ेगा। जब ये चार चक्कर बढ़ेगा, मान लो कि थिम्बल को चार चक्कर घुमा देंगे तब यहां से यहां तक आएगा, मतलब वो एक मेन डिवीजन के बराबर बात रहेगा, समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नजर आ रहा है क्या, लिस्ट काउंट क्लियर है। अब लिस्ट काउंट यदि हम लोग निकालने जान जाएंगे तभी हम लोग रीडिंग लेंगे और अच्छा से रीडिंग लेंगे, ठीक है।